गाइस, मैं हूं राघव और आप देख रहे हैं अपना बर्बन मैन यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग दिखाने वाले हैं, फिर से आ गए हम लोग मतलब कैमरा केयर में साहिल भाई के साथ में। अपना इंट्रोडक्शन दे दी भैया एक बार। हेलो, माय सेल्फ साहिल सिद्दीकी। और जैसे कि पहले भी हमारे पास एक दोबारा आ चुके हैं और हमारे सर्विस सेंटर पे इन्होंने कुछ सेकंड हैंड केयर परचेज कैमरों का वीडियो भी बनाया है, दोबारा फिर से डिटेल करते हैं। ओके, आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली आपको कैमरा दिखाएंगे एंड लेंसेज दिखाएंगे एंड ड्रोन की सर्विस बताएंगे कि यहाँ पे सर्विस आपको हो जाएगी, सेल्स नहीं होगी बट आपको ड्रोन की फुल सर्विस यहाँ पे मिल जाएगी। सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो सबसे पहले भैया, कौन सा कैमरा आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं? हमारे पास अगर कह सकते तो इस समय कुछ कैमरे पड़े हैं, इस टाइम पे थोड़ा सा काम कम है, तो जो भी कैमरे हमारे पास हैं उस सबसे बता रहे हैं। अभी एंट्री लेवल में आपके लगता बहुत बेसिक जो स्टार्टिंग से निकॉन का D3100 है, D3100 विद 1855 लेंस के साथ। ये करीब हम यहाँ पर 10,000, 11,000, 12,000, 9,000 कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कैसा है, उस हिसाब से हम इसको आगे भेज देते हैं। 10,000 से 11,000 की रेंज में आपको कैमरा मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया। आप कंडीशन देख सकते हैं जिस मॉडल के, कौन सी ईयर का मॉडल है ये? फिलहाल तो अभी बंद हो चुका है, और एक आइडिया मैं बताऊँ तो मेरी समझ से 2015 के आसपास मॉडल होना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं 2015 के आसपास का मॉडल होगा एंड आपको ये 10,000 से 11,000 में मिल जाएगा। प्राइस आपको एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि प्राइस अप डाउन होता रहता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है, अप डाउन होता रहता है। बिल्कुल। नेक्स्ट भैया, कौन सा मॉडल दिखा रहे हैं? नेक्स्ट भी आप कह सकते हैं, ये भी D3100 है, ये भी करीब 20-19 रेट के आसपास रहता है। जैसे ये D40 हो गया, ये सस्ता कैमरा रहता है, ये 8,000, 7,000, 6,000 इसका कह लीजिए सबसे सक्सेसफुल कैमरा था, एंटरी लेवल DSLR था। ओके, बट इसमें वीडियो शूट नहीं होता है तो इसलिए कैमरे के रेट भी काफ़ी कम है, और बहुत पुराना कैमरा, बहुत पुरानी सीरीज का कैमरा है ये। फोटो शूट के लिए मतलब कैमरा के लिए बहुत बढ़िया कैमरा है, मार्केट में बहुत सक्सेसफुल कैमरा है। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं पास से, ये कितने तक का मिल जाएगा भैया? ये 8,000, 9,000, 7,000 कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। ये 8,000, 7,000 पे आपको ये रेट पे मिल जाएगा, कम से कम आपको 7,000 में मिल जाएगा। अगर अच्छी कंडीशन होगी तो 8,000-9,000 में मिल जाएगा। बाकी आप ये कंडीशन देख सकते हैं, अगर आपको प्राइस पता करना है तो शॉप का नंबर आपको डिस्प्ले पे हो रहा होगा, आप कॉल करके एक बार नंबर पता, प्राइसेस पता कर सकते हैं। नेक्स्ट भैया, कौन सा कैमरा मिल जाएगा? अगर हम जैसे आते हैं तो ये कैनन का भी हमारे पास है, एक EOS 1100D कैमरा है, ये भी 12-13,000 में रहता है। ओके, और ओवरऑल गुड कैमरा है, 1855 लेंस के साथ है, किट लेंस के साथ, तो ये भी हमारे पास मिल जाएगा। कैनन का कौन सा मॉडल है? 1100D आपको ये कैमरा मिल जाएगा। इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है? हाँ, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग। ओके, इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि मतलब एंट्री लेवल है, बेसिक मॉडल है, बाकी आपको ये अच्छा काफी मॉडल आप देख सकते हैं। कंडीशन इसकी होगी, क्या रेंज होगी इसकी? ये 12-13,000 के आसपास रहता है। 12-13,000 रुपए की रेंज में आपको कैमरा मिल जाएगा। आप इस पे देख सकते हैं फ्लैश एंड माउंट, अगर आपको माइक माउंट करना है उसका भी आपको माउंट्स मिल जाएंगे एंड सारे आपको इसके जो बटन्स और बाकी सर्विस, अगर कोई भी दिक्कत होती है सर्विस से रिलेटेड कभी कुछ भी है, ज्यादातर हम जो भी कैमरे सेल करते हैं या अपने कैसे बेचते हैं सेकंड वाले कैमरे, तो उनका हम तीन महीना दो महीने के आसपास हम अपनी पर्सनल वारंटी देते हैं, क्योंकि जो हमारा ये प्रोडक्ट होता है सेल के लिए, तो उसका बड़ा प्लस पॉइंट मिलता है। भाई, आपको यहाँ से वारंटी सर्विस सेंटर मिल जाएगा, वो अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा कि कैसा सर्विस सेंटर का आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बाकी आपको चलिए अब इस कैमरे के बारे में बता दी, थोड़ा ये हैवी कैमरा दिख रहा है। निकॉन का D90 है, एक APS-C सेंसर का DSLR है, और ये भी बहुत सक्सेसफुल कैमरा था। ये 18-105 लेंस के साथ है, और ये सेकंड में हमारे पास 18,000, 20,000, 16,000 कंडीशन पे डिपेंड करता है, उसी रेट के आसपास ये अवेलेबल रहते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया आपको कैमरा दिख जाएगा। इसकी भी कंडीशन अगर मैं आपको दिखाऊं पास से, काफ़ी बढ़िया कंडीशन होगी। लेंस इसका कितने mm का है? 18-105 लेंस के साथ आपको मिल जाएगा। एंड अगर इसके चार एसेसरीज में क्या क्या मिल जाएगा भैया? बैटरी चार्जर कभी बैग रहता है कभी नहीं रहता है, वो तो पार्टी के डिपेंड करता है कि हमने जहाँ से परचेज करा उनके साथ बैग आया या नहीं आया। अगर बैग होगा तो आपको ज़रूर मिलेगा, और अगर मेमोरी कार्ड भी कभी कभी हो जाता है साथ में, कार्ड भी आता है, तो आपको वो भी मिल जाएगा। बाकी अगर प्राइस भैया कोई हमारे चैनल की तरफ से आता है थोड़ी गुंजाइश हो जाएगी? करते हैं थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जो अगर आपके लिए प्राइस अगर बेस्ट हो पाएगा तो बेस्ट से बेस्ट भैया हमारे चैनल के व्यूअर्स को प्राइस देंगे। बाकी आपको ये कैमरा जो मॉडल कितने का? ये समय 18,000 रुपये का मिल जाएगा, 17-18,000 में। फिर भैया नेक्स्ट बता दीजिए। जब हम आते हैं तो ये एक निकॉन का फुल फ्रेम कैमरा है, जिसे कि DSLR FX फॉर्मेट का कैमरा है ये। ओके, और ये निकॉन D750 है, बहुत ही सक्सेसफुल बॉडी है कैमरे की, ये मार्केट में बहुत तगड़े से बिका हुआ कैमरा है। बिल्कुल, ये नया करीब 1.5 लाख के आसपास रहता है, और सेकंड में हमारे पास 70,000 रुपये में मिल जाएगा। 70,000 रुपये में आपको ये कैमरा देख सकते हैं मिल जाएगा। नया कितने का आता है? नया करीब 1,40,000 के आसपास, 1,40,000 का आता है। इसका बेसिकली वर्क बताएं तो शादी में अगर आपको फोटोग्राफी करनी, कमर्शियल फोटोग्राफी
फोटोग्राफी के कैमरे हैं, फुल फ्रेम कैमरे कहे जाते हैं, डीएसएलआर फुल फ्रेम कैमरा है, फोटोग्राफी के लिए होगा, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग है? हाँ, इसमें वीडियो भी है, स्टिल भी है, सब कुछ है, वीडियो स्टिल है। बट अगर मैं आपको पर्सनली रिकमेंड बताऊँ तो आप इसको फोटोग्राफी के लिए काफ़ी बढ़िया आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं, प्रो कैमरा आप इसको कह सकते हैं। बाकी कितने एमएम का लेंस है इसमें? 24-120 mm का लेंस रहता है। ओके, 24-120, ओके, F4। ओके, आप देख सकते हैं 70,000 की रेंज में मिल जाएगा। हाँ, ये 70,000 में मिल जाएगा। प्राइस थोड़े सा हाई, क्योंकि मतलब आप प्राइस चेंज होते रहते हैं। कंडीशन अगर अच्छी है, बिल्कुल कैमरे में कोई सर्विस नहीं चाहिए, तो एकदम बढ़िया कंडीशन में आपको यहाँ मिल जाएगा। बाकी ये भैया कौन सा कैमरा है? जैसे कि वो प्रोफेशनल कैमरा था, वैसे ही प्रोफेशनल कैमरा ये भी है, कैनन का 600D Mark II। तो ये भी बहुत सक्सेसफुल कैमरा है, बहुत बिल्ड बॉडी है और काफ़ी मार्केट में बिका हुआ कैमरा है। और ये भी आपको हमारे पास 95,000 में मिल जाएगा सेकेंड हैंड, और बहुत अच्छी कंडीशन में कैमरा भी है। आप कंडीशन पास से देख सकते हैं, EOS 6D Mark II आप देख सकते हैं इसका मॉडल होगा। लेंस की बात करें, 24-105 लेंस के साथ आपको ये मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया आप देख सकते हैं कैमरा होगा, हैवी कैमरा। ये भी फोटोग्राफी के लिए? हाँ, फोटो वीडियो दोनों के लिए, फोटो वीडियो दोनों के लिए, बट फोटोग्राफी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करेगा। वीडियो के लिए अगर आपको लेना है तो कोई लेटेस्ट मॉडल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट ये भी वीडियोज़ के अच्छा काफ़ी काम कर लेते हैं। शादी की अगर आपको वीडियोग्राफी करनी है, फोटोग्राफी करनी है, तो काफ़ी बढ़िया आपको ये काम आ जाएगा। चलते हैं फिर आगे और आपको चीज़ें दिखाते हैं। तो अब हम लोग दिखाने वाले हैं आपको जो मतलब शादी में वीडियोग्राफी करने के लिए हैवी कैमरास होते हैं, वो दिखाएंगे एंड लेंसेज दिखाएंगे। तो भैया सबसे पहले किस कैमरे स्टार्ट करने वाले हैं? अगर आप कह सकते हैं कि एंट्री लेवल पे हमारे पास एक ये सोनी का MC1500P कैमरा है। ओके, फुल HD कैमरा होता है, इनबिल्ट 32GB मेमोरी के साथ, एक्सपेंडेबल मेमोरी भी इसमें आप कर सकते हैं, एंड माइक भी साथ में दे रखा है। हाँ, एक्सटर्नल माइक इसमें रहता है। अगर मैं आपको इसकी कंडीशन एंड थोड़ा सा पास से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं फुल मतलब ये शादी की वीडियोग्राफी के लिए काफ़ी बढ़िया आप देख सकते हैं कैमरा आपको ये मिल जाएगा। इसके शॉटगन माइक के साथ में लगा होता है एंड बाकी इसका फुल वर्किंग है। क्या प्राइसिंग भैया इसकी मिल जाएगी? मॉडल फिलहाल तो जब आता था अब तो बंद हो चुका है, अभी सेकंड में हमारे पास 35,000 में मिल जाएगा। नेक्स्ट भैया छोटा वाला, जैसे हम थोड़ा सा अगर प्रो लेवल पे पढ़ते हैं तो ये पैनासोनिक का PB100 कैमरा है। ये भी काफ़ी सक्सेसफुल कैमरा है, मार्केट में काफ़ी बिकता है और नया करीब रहता था 80,000 के आसपास, ये सेकंड में हमारे पास 45,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। 45,000 यानी 45,000 रुपीज़ में आपको ये कैमरा मिल जाएगा। ये प्रो लेवल का, थोड़ा उससे ऊपर का कैमरा है, ऊपर कैमरा है, प्रोफेशनल कैमरा है। ओके, आप ये देख सकते हैं इसके इसके एसेसरीज क्या क्या मिलती है भैया? बैटरी, कैमरा, चार्जर, आपका कभी कभी LED लाइट आता है साथ में, वो मिल जाता है, और बैग। ओके, बैग मतलब इसमें मोस्टली मिल जाता वीडियो है, वीडियो में मैक्सिमम कैमरों के साथ बैग मिल जाता है। ओके, इसके साथ आपको बैग मिल जाएगा, अगर फ्लैश होगा वो मिल जाएगा, बाकी इसमें LED जो भी साथ में इसके आएगा एसेसरीज में, चार्जर तो सबके साथ होगा, चार्जर, बैटरी चार्जर, ये सब तो हर एक के साथ में रहता होगा। बाकी अगर कुछ एक्सटर्नल इसके साथ होगा तो आपको जरूर भैया ऑफर करके आपको दे देंगे। ऐसे हम थोड़ा सा अगर और रेंज को ऊपर उठाते हैं तो ये फिर पैनासोनिक का 4K कैमरा है, UX90। ओके, और सक्सेसफुल कैमरा है, मार्केट में बिका हुआ भी काफ़ी है, और ये हमारे पास सेकंड में करीब 65,000-60,000 कंडीशन पर डिपेंड करता है किस तरीके से है, और कस्टमर पर डिपेंड करता है कि किस कस्टमर से हमने कैसे परचेस करा है, किस कस्टमर क्या रेट में बेचना चाहता है। बिल्कुल, इसकी प्राइसिंग जैसी रहती है आप देख सकते हैं, पर ये काफ़ी प्रो लेवल का, उससे भी ऊपर का कैमरा है, क्योंकि आप देख सकते हैं 4K पैनासोनिक का 4K कैमरा है, तो काफ़ी अपने बात ही अलग हो जाती है, क्योंकि 4K में अगर आप देखें आजकल 4K की वीडियोज़ एंड मूवी सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया होगा। 60-65,000 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। फिर आप चलते हैं लेंसेज थोड़े दिखा देते हैं, क्योंकि लेंसेज की काफ़ी डिमांड आ रही है, अगर कैमरा आप ले रहे हैं एक अच्छा लेंस नहीं है आपके साथ तो वो बढ़िया नहीं रहेगा। सो अब हम लोग भैया लेंस दिखाने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आप लोग सोच रहे होंगे कपड़े कैसे चेंज हो गए, तो ये नेक्स्ट डे वीडियो शूट हो रही है, उस वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कुछ। सो अब भैया कौन सा लेंस सबसे पहले दिखाएंगे? लेंस के बारे की बात करें अगर, तो हमारे पास जैसे बेसिक स्टार्टिंग में आपके पास कोई भी कैमरा DSLR है, उसमें आपका 18-55 एक बेसिक लेंस है, जो सभी कैमरे में, चाहे निकॉन हो चाहे कैनन हो, सभी में लग के आता है। तो हमारे पास निकॉन में भी 18-55 मिल जाएगा और कैनन में भी 18-55 मिल जाएगा, कैनन एंड निकॉन दोनों में मिल जाएगा। सब दोनों के अलग अलग माउंट्स होते हैं, एंड प्राइसिंग क्या होगी 18-55 रेट करीब करीब एक के आस एक ही रेट के आसपास रहते हैं, 2,000-2,500-3,000 अलग अलग कंडीशन के हिसाब से रेट वेरी करते हैं। मतलब 2,000 से स्टार्ट हो जाएंगे, 2,500 तक में आपको मिल जाएंगे, कंडीशन पे डिपेंड करेगा, अगर 2,500-3,000 कंडीशन पे डिपेंड, अगर थोड़ी ज्यादा रफ कंडीशन होगी तो और भी कम का मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपको मतलब आराम से आप सोच सकते हैं 2,000 रुपए का आपको एक अच्छा मतलब अच्छी कंडीशन वाला 18-55 लेंस मिल जाएगा। फिर भैया अगर थोड़ा मोर आगे बढ़ते हैं तो ये जैसे 18-105 लेंस है, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल लेंस है और
ऑलमोस्ट इनके जितने भी मिड लेवल के DSLR है निकॉन के, उनके साथ सबके साथ यही लेंस आता है। ओके ये नया तो करीब करीब मान के चलिए 17,000 का रहता है, बट सेकंड में हमारे पास ही 8,000 रुपए में मिल जाएगा। 8,000 रुपए में आपको मिल जाएगा 18105। 18105 है, आप देख सकते हैं ये काफी बढ़िया इसकी फोकल लेंस है, एंड मतलब साफ कंडीशन में लेंस है, कोई लेंस आपको खराब नहीं मिलेगा, चेक करके लेंगे। और वारंटी वैसे नहीं रहती ना लेंसेज पे भी, हम 2-3 महीने तक कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम के लिए हम एक बार को देख लेते हैं। बिल्कुल, अगर मतलब वारंटी इसका मतलब मिलती है यहाँ पे 2-3 महीने, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप बेफिक्र आके यहाँ पे दिखवा सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। ये बाकी 8,000 रुपये का मिल जाएगा 18105 लेंस, आपको देख सकते हैं कंडीशन काफ़ी बढ़िया कंडीशन में होगा ये। बिल्कुल, हम इसी सीरीज में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये 18140 है, ये उससे थोड़ा सा और महंगा लेंस है हमारे पास, 9,000-10,000 में सेकेंड हैंड मिल जाता है, ये भी निकॉन एफ माउंट लेंस है। ओके, निकॉन एफ माउंट लेंस होगा 18140, आप देख सकते हैं फुल वर्किंग एंड साफ कंडीशन में लेंस होगा। वो 8,000 में लेंस मिल जाएगा या आपको 9 से 10,000 मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, कंडीशन कैसी होगी उस पर डिपेंड करके आपको प्राइसिंग होगी। बाकी लेंसेज और दिखा दी भैया, अभी थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं तो टेली लेंस है, आजकल लोग जो आउटडोर शूट कर रहे हैं पोर्ट्रेट और आपका कह लीजिए कि जिसमें ब्लर वाला लड़के आजकल जितना भी मांगते हैं, तो उनके लिए 55-250 लेंस कैनन का है, ये टैमरॉन का 70-300 है, तो ये सब लेंस आजकल बड़े सक्सेसफुल हैं, जैसे कहते हैं ब्लर फोकस के लिए, टेली बाहर की फ़ोटो के लिए, दूर की फ़ोटो के लिए। तो ये कैनन का 18-55 लेंस है, ये नॉर्मली नया करीब मान के चलिए कि 13-14,000-15,000 ऐसे मार्केट में मिलता है, और सेकंड में हमारे पास ये 7,000-6,000-8,000 कंडीशन पे डिपेंड करता है मिल जाते हैं। फिर अगर अभी हम आते हैं प्रोफेशनल सीरीज में, तो ये जैसे टैमरॉन का है 70-200 2.8 लेंस, बहुत सक्सेसफुल, बहुत नामी और बहुत ही मजबूत लेंस होता है। बिल्कुल, वैसे ही सेम आप कह लीजिए उसी कंपेयर टू यूनिकॉन का भी है 70-200 लेंस f/2.8, ये भी बहुत शानदार, बहुत मजबूत और थोड़े महंगे लेंस होते हैं, ये प्रोफेशनल लेंस होते हैं और महंगे भी होते हैं, मतलब जिस हिसाब से आप इसकी क्वालिटी लेंगे उस हिसाब को आपको प्राइस देने पड़ेंगे। ये भी जैसे निकॉन का आपका ईडी 70-200 लेंस है। ओके, ये नॉर्मली तो करीब 135-140 के आसपास रहता है, और ये हमारे पास आपको 70-75 कंडीशन पे डिपेंड करता है, इन्हीं रेट के आसपास मिल जाते हैं, 72-75,000 रुपीज की तक में आपको ये रेंज में मिल जाएगा। काफी बढ़िया लेंसेज हैं, आप देख सकते हैं, अगर आपको एक बार व्यू में दिखाऊं तो इतने सारे लेंस हम लोगों ने आज दिखाए। अब चलते हैं मेन अपनी जो हाईलाइट है ड्रोन की सर्विस के ऊपर, ड्रोन तो नहीं मिलेगा पर ड्रोन की आपको सर्विस बता देंगे यहाँ पे, क्या क्या आपको सर्विसेज ड्रोन की मिल जाएंगी। सो भैया ड्रोन हम देख पा रहे हैं थोड़े बहुत सामान वान रखे, तो क्या ड्रोन का क्या मतलब हिसाब है? देखिए ड्रोन का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से ड्रोन की जो सेल है यहाँ पर पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, और हम लोग लॉन्ग टाइम से कैमरे का काम कर रहे हैं, तो अभी वेडिंग लाइन में ड्रोन वगैरह भी यूज कर रहे हैं लोग, तो हम लोग बनने के लिए आते रहते हैं, तो हम लोग कभी कभी रिपेयर भी करते रहते हैं मोस्टली, तो जो भी एयरक्राफ्ट है वो हम लोग ज़्यादातर रिपेयर करते हैं, जो भी यहाँ पर वेडिंग लाइन में लोग यूज़ कर रहे हैं। तो भैया ये देख सकते हैं रिपेयरिंग के लिए ड्रोन आए हैं, और यहाँ पे मतलब रिपेयरिंग हो जाती है ड्रोन की, थोड़ी बहुत जो भी अगर किसी को चाहिए मजबूरी मतलब ख़राब वराब हो जाते हैं तो यहाँ पे ड्रोन की रिपेयरिंग मिल जाएगी, और बाकी मतलब सारी जो भी दिक्कतें आती हैं मोस्टली सही हो जाती हैं, मैक्सिमम सारी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं जो भी यहाँ पे वेडिंग लाइन में ड्रोन यूज़ हो रहे हैं उनकी। ओके, मतलब वेडिंग लाइन में, क्योंकि और कोई, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट करा है ड्रोन्स को, तो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं ना उसको, हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। वेडिंग वाले भी जो कमर्शियल फोटोग्राफर्स हैं वो अपने एरिया का, जो भी जिस भी एरिया में उन्हें फ्लाई कराना होता है, वहाँ के पुलिस स्टेशन से परमिशन लेते हैं या DM से परमिशन लेते हैं, फिर फ्लाई कराते हैं। हाँ, और आप देख सकते हैं पीछे जो लगे हुए खाली बॉक्सेस लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ डमी है, कोई भी मैकेनिज्म, पीछे जो डब्बे रखे हैं वो सब खाली ड्रोन के डब्बे हैं, कह सकते हैं कि खाली शोकेस है, शोपीस है, शोपीस रखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ड्रोन सेल हो रहे हैं। बाकी आप यहाँ पे भैया को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपका ड्रोन खराब होता है, देख सकते हैं कि ये कुछ खाली डब्बे ही रखे हुए हैं, बिल्कुल, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको ड्रोन की सारी सर्विसेज मिल जाएंगी अगर कुछ भी खराबी हो, मैक्सिमम। ओके, सो कैसी लगी आपको आज की याली वीडियो, अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल बर्बन मैन को, अगर आपको यहाँ से द कैमरा केयर से कुछ भी शॉपिंग करनी है तो शॉप का एड्रेस एक बार भैया हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। शॉप जो हमारी कह लीजिए कि लखनऊ की प्राइम लोकेशन पे ही है, यहाँ पे जो चारबाग नियरेस्ट सबसे बड़ा लैंडमार्क है, करीब 1 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल वहाँ से 1 किलोमीटर, और चारबाग और अमीनाबाद के बीच का एरिया है, सूर्या मार्केट हमारी मार्केट का नाम है, गणेश कैमरा केयर गणेशगंज अमीनाबाद रोड ये एरिया कहलाता है, और यहाँ पे सूर्या मार्केट में हमारा जो लैंडमार्क नियरेस्ट है गुलाटी पीपल वाले, उनके जस्ट सामने हमारा ये कैमरा केयर, जो कि हम 1992 से जब से कैमरा के रिपेयरिंग स्टार्ट करी है इसी लाइन में। बिल्कुल, यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, कैमरा आप सेकंड हैंड परचेज कर सकते हैं, अपना कैमरे में कोई भी दिक्कत है आप यहाँ से रिपेयर करा सकते हैं, ड्रोन में कोई दिक्कत है तो वो भी आप यहाँ पे दिखवा सकते हैं वेडिंग लाइन के लिए। ठीक है फिर, बाय।